एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट GS14 डिस्कस करेंगे। ये जनरल वर्कशीट है और क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कंबाइंड वर्कशीट है तीनों क्लासेस के लिए। और वर्कशीट जो है वो 27 नवंबर यानी सैटरडे की वर्कशीट है और सब्जेक्ट है वर्कशीट का इंग्लिश। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आप सब यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। पॉल्यूशन के बारे में हम आज की वर्कशीट पढ़ेंगे। तो पहला है लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आपको चार पिक्चर्स दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इन पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए और फिर नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये पिक्चर से ही रिलेटेड है, तो आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज इन पिक्चर ए। पिक्चर ए में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पावर हाउस है, चिमनीज है, इनमें से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि चिमनी से क्या निकल रहा है, आंसर हो जाएगा स्मोक यानी धुआं। स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज इन पिक्चर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज द मैन इन पिक्चर बी फीलिंग इरिटेटेड। अब पिक्चर बी में जो ये आदमी है, ये जो मैन है, उसने अपने कानों को अपने हाथों से बिल्कुल बंद कर रखा है और इसका फेस का एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल परेशान है, ये बिल्कुल इरिटेट हो गया है। तो ये क्यों इरिटेट हो गया है, द मैन इन पिक्चर बी इज फीलिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ द नॉइज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, या ट्रेन की आवाज, गाड़ियों की आवाज, लाउड स्पीकर की आवाज, इन सब की आवाज ने इसे इरिटेट कर दिया है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज शोन इन पिक्चर डी। अब पिक्चर डी की बात करें तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि गाड़ियां हैं और गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, यानी स्मोक निकल रहा है। तो आंसर हो जाएगा, द स्मोक एंड एमिशंस कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स इज शोन इन पिक्चर डी। क्वेश्चन 4, हाउ डज वाटर इन रिवर्स गेट पोल्यूटेड एज शोन इन पिक्चर सी। अब पिक्चर सी में पहले हम क्या देख रहे हैं कि नदी है, नदी का किनारा दिखाया गया पिक्चर में, और यहाँ पे पाइप से कुछ गंदा सा पानी इसमें नदी में छोड़ा जा रहा है, यानी ये पानी जो है नदी में मिल जा रहा है। ये पानी बिल्कुल इतना गंदा है कि बिल्कुल काला सा दिख रहा है। तो रिवर का जो पानी होता है वो पोल्यूट कैसे होता है, वो दूषित कैसे होता है। वाटर इन रिवर्स गेट पोल्यूटेड बाय द हार्मफुल वेस्ट डिस्चार्ज्ड इन रिवर्स। तो जो हार्मफुल वेस्ट, जो भी गंदगी होती, वेस्ट क्या होता है, जो कचरा होता है, जो बचा हुआ चीज होता है, उसे हम वेस्ट कहते हैं। तो जैसे फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है या घर है, इनमें से जो भी वेस्ट, जो कचरा निकलता है, जो गंदा पानी होता है, केमिकल वेस्ट होता है, वो सीधा रिवर्स में छोड़ा जाता है और रिवर के पानी को ये दूषित कर देता है। क्वेश्चन 2, स्टेट विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो अब आपको बस ये बताना है कि कौन से सेंटेंस, कौन से स्टेटमेंट इनमें सही है यानी ट्रू है और कौन से फॉल्स है यानी गलत। फर्स्ट है, वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज, हम कचरे को खुली जगह पे फेंक सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमें कचरा खुली जगह में नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। सेकेंड इज, ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एयर। ज्यादा पेड़ उगाने से एयर की जो क्वालिटी है वो और सुधर जाएगी, ये बिल्कुल सही है। थर्ड, कार पुलिंग इज अ गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। कार पुलिंग यानी कि अगर कुछ लोग हैं जिनका ऑफिस या स्कूल एक ही जगह है तो वो एक ही कार का इस्तेमाल करें, जैसे चार लोगों को एक ही ऑफिस जाना है, एक ही कंपनी में काम करते हैं और वो आसपास रहते हैं, तो वो चार लोग अलग अलग गाड़ी ले जाने के बजाय चारों एक गाड़ी में जा सकते हैं। उससे क्या होगा, बाकी तीन गाड़ी नहीं निकलेगी और एयर पोल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ट्रू। फोर्थ है, वी कैन यूज पोल्यूटेड वाटर टू मेक फूड, हम दूषित पानी खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है, हम नहीं कर सकते। फिफ्थ, इफ एनिमल्स ईट गार्बेज थ्रोन इन ओपन दे में ऑल्सो फॉल सिक। अगर जानवर खुले में फेंका गया जो कचरा है, जो गार्बेज, अगर वो खा ले तो वो बीमार पड़ सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। सिक्स, इट इज सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू रिवर्स, हार्मफुल जो वेस्ट है, जो केमिकल्स है, उसको रिवर्स में फेंकना सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सही नहीं है। थर्ड है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें ब्लैंक स्पेसेस है, तो ब्लैंक स्पेसेस को आपको फिल करना है ये वर्ड बॉक्स से, वर्ड्स लेकर के। पहला है, हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर पोल्यूट रेन वाटर। सेकेंड, ईटिंग फूड मेड अप ऑफ पोल्यूटेड वाटर मे कॉज डिजीजेस। थर्ड, स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स कॉज एयर पोल्यूशन। फोर्थ, वी नीड फ्रेश एयर टू कीप अवर लंग्स हेल्दी। फिफ्थ, लाउड स्पीकर्स कैन कॉज नॉइज पोल्यूशन। सिक्स्थ, सम वाइज शॉपकीपर्स यूज ओनली पेपर बैग्स एंड अवॉइड प्लास्टिक बैग्स। तो कुछ समझदार दुकानदार ऐसे हैं जो पेपर बैग्स का यूज करते हैं और प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करते हैं।
तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आईसीटी चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।